हेलो बच्चों, क्या हाल है? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा, आप सभी का वाइसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हमारी कहानी। सो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में, जो हमारा बच्चों प्रीवियस लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको सारा का सारा बेसिक करा रखा हुआ है। भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा का सारा बेसिक्स कर रखा हुआ है हमने, यानी कि 11th की जो स्ट्रेट लाइन थी, जो 11th स्टैंडर्ड 9th 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन, वो सारा कुछ मैंने पहले कवर करा दिया है। और आज जो हमारी कहानी है बच्चों, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगी, यानी कि 12th स्टैंडर्ड, जहां से चैप्टर जो है भाई कंटिन्यू होगा, आगे बढ़ेगा। यहां से हम 12th की बातें जो है स्टार्ट कर देंगे बच्चों। 12th स्टैंडर्ड में हमको जो कुछ पढ़ना है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई दो देखो बहुत आसान है। अगर हमको 11th क्लियर है, यानी कि हमारा अगर बेसिक क्लियर है, तो फिर इस चैप्टर में बहुत दम है नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। 3 एक्सरसाइज है कुल मिला के, अगर हमने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से चीजों को समझा, तो इसके सवाल हमसे 100% हो जाएंगे, नॉट इवन इन आपका बोर्ड्स, इन सीईटी ऑल्सो। सीईटी में भी बहुत ऊपर लेवल जाता नहीं है बच्चों सवालों का। सो हम इजीली कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से। बस आप जो है भाई सारी चीजें क्लियर करते चलना स्टार्ट से ही, हर एक पॉइंट, जो पॉइंट मैं डिस्कस करूं वो आपको चमकना चाहिए, मतलब आपके खोपड़ी में फिट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है अपने को। सो बच्चों, कहानी ये है कि यहाँ पे देखिए, पढ़ना तो स्ट्रेट लाइन ही है, बस यहाँ पे एक चीज होगा कि सर अब चीजें जोड़ियों में होंगी, मतलब पेयर, पेयर का मतलब हो गया जोड़ी, यानी कि एक लाइन की जगह, जैसे 11th में हम एक लाइन पे डिस्कशन करते कि सर एक लाइन का इक्वेशन कैसे बनाना है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, अगर हमको उनके बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना है किसी पॉइंट का किसी लाइन से तो कैसे करेंगे, ये सारा 11th में देखा। नाउ 12th में आपको एक की जगह दो लाइन दे देगा, अब उन दो लाइन पे स्टडी करना है। अब जैसे दो लाइनें आ रही है तो भी बहुत कुछ, बहुत सारी बातें आ सकती है देखो दो लाइनों से। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करूं, ये देखिए, अब दो लाइन कैसी भी हो सकती है सर, पेयर है, जोड़ी है, कहीं भी हो सकती है। वो दो लाइन कुछ इस तरीके की हो सकती है कि भाई एक ऐसे हो और एक कुछ इस तरीके से ऐसे हो, ये एक लाइन हो सकता है पेयर, मतलब कहीं भी कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में जो दिख सकती है लाइनें, एक ये ओरिजिन से पास जाती हुई, दूसरी भी ओरिजिन से पास जाती हुई, दो ये दिख सकती है जो ग्रीन कलर में लाइन है, लाइन है सर, ऐसे भी तो हो सकती है कि एक ये रही और एक ये उसके पैरेलल रही, हाँ बच्चा ये भी हो सकती है। फिर एक केस ये भी हो सकता है कि सर एक लाइन ऐसे है उसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसी है, ये भी हो सकता है। सो देर आर मेनी वेज बच्चों, दो लाइनें हैं तो उन पर बहुत कुछ डिस्कशन किया जा सकता है, और वही डिस्कशन हमको इस चैप्टर में करना है, और सारा कुछ जो है भाई इस चैप्टर में हमको कंप्लीट करना है इसी डिस्कशन से, ठीक है बच्चों। सो पहला और जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अपन समझते चलते हैं बच्चों, वो ये है कि मान लीजिए, ठीक है सर दो लाइन तो होंगी, ये तो क्लियर हो गया कि सर यहाँ तो जोड़ियों से खेलना है हमको, पेयर का मतलब ही वही हो गया कि भाई सर दो, दो की बातें करेंगे हम, दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधी लाइन है उनकी बात करनी है। अब ये जो दो सीधी लाइन है ना सर, वो उनका जनरल इक्वेशन कैसा होगा, मतलब मान लीजिए मेरे सामने दो लाइनें आ गई तो वो कैसी दिखेंगी, तो ये भी हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा हुआ है बच्चों, वो आपको याद होगा, तो एक्स प्लस by plus c is equal to 0, ये जनरल इक्वेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन का। एक एक चीजें याद करते चलो बच्चों, स्टार्ट से ही सब कुछ आपकी खोपड़ी में फिट होना चाहिए। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0। अब ये सिंगल लाइन है, अब हमारे केस में बच्चों यहाँ पे तो हमारे पास तो दो जोड़ियां होंगी, तो मैं कोएफिशिएंट्स का नंबर जो है ना a1 a2 कर देता हूँ, तो उससे समझ में आएगा कि अलग अलग लाइन है। तो एक लाइन वन है बच्चों, सपोज ये लाइन वन, इसको नाम दे दिया a1x b1y plus c1, ये हमारा लाइन वन हो गया, और लाइन टू जो है ना बच्चों इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये दो अलग अलग लाइन है, दो लाइन है अलग अलग है। अब मुझे पहला टास्क जो बच्चों हमारा पढ़ने का पहला टास्क होता है ना, वो होता है कि सर मान लीजिए हमारे पास दो लाइनें अलग अलग पड़ी हुई हैं और मेरे को दोनों को कंबाइन करनी है, दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनाना है। तो अब भाई दोनों को मिला के एक इक्वेशन, तो सर कैसे कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो बच्चों इसको समझो, इनको इनको मिलाना है, यानी कि कंबाइन कर देना है। तो पहला जो हेडिंग है पढ़ने का बच्चों हमारा वही है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। मान लीजिए दो लाइनें हमारे पास हैं, उनको कंबाइन करना है, तो जैसे ये हैं दो लाइनें हैं, इनको कंबाइन करना है, तो ये बहुत आसान है बच्चों, आपको कुछ नहीं, एकदम चिंदी तरीका होता है, हमको कोई ज्योमेट्री में नहीं जाना है, जस्ट प्योर अलजेब्रा, इजी तरीके से दोनों को क्लब कर दो। क्लब करने का मतलब है कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो आप, यानी कि लाइन वन इंटू लाइन टू कर दो इज इक्वल टू जीरो, सो जो भी मिलेगा वो आपका कंबाइन इक्वेशन होगा, यानी कि हमको कंबाइन इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिल जाएगा। ये देखिए, हमने बचपन से हम पढ़ते हैं सर लाइन है तो भैया लीनियर होना चाहिए, देखो लीनियर दिख रहा है, ये भी लीनियर है, लेकिन जिस दिन दोनों कंबाइन होंगे ना उस दिन ये क्वाड्रेटिक बनाएगा, ध्यान रखना इस बात का, उस दिन ये क्वाड्रेटिक बनाने लगेगा। इसमें भी क्योंकि हमारी स्टडी होमोजीनियस पे है ज्यादातर, तो हम उसी पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल बच्चों, लेकिन पहला पॉइंट जो हमारा है पढ़ने का, सर
कंबाइन इक्वेशन कैसे निकाला जाए। मान लो बच्चों पहला इक्वेशन है जिसको हमारी बुक यू बोलती है, तो हम भी यू बोलेंगे, यू इज इक्वल टू जीरो, एंड अगला लाइन है वी इज इक्वल टू जीरो, और मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने का मतलब बस आप प्रोडक्ट कर दो, यू इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। तो ये कंबाइन हो गया। और मान लीजिए कि सर कंबाइन दिया हुआ है, अलग करना है, सेपरेट करना है, कुछ नहीं, फैक्टर वैक्टर कर लो नॉर्मल तरीके से, बस दोनों को पावर टू रहेगा, उसको स्प्लिट करके पावर वन करना है, उसमें आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, या मेनी वे फैक्टर ले लो या सेपरेट कर लो, कुछ कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा, मतलब कहीं कुछ किसी ना किसी तरीके से हम उसको अलग कर देंगे, अलग करके दो लाइनें बना देंगे, उसको सेपरेट करना बोलते हैं, और कंबाइन करने में हमको दोनों को मिला देना है, मिला देने का मतलब बच्चा दोनों को प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। सो चलिए कहानी नंबर वन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन से। फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। ओके बच्चा लोग कंबाइन इक्वेशन निकालना है और कुछ काम नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन ये जिसको मैंने यू बोल दिया बच्चों, लेट यू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई एन इज इक्वल टू जीरो, एंड वी इज इक्वल टू, वी जो है वो है बच्चा आपका थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों अलग अलग लाइनें हैं, यू जस्ट हैव टू कंबाइन। तो सीधे लिख दो कंबाइन इक्वेशन, तो भैया कंबाइन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है मेरा यू इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। सो नाउ यू क्या है बच्चों, इट इज टू एक्स प्लस वाई, और हमारा वी क्या है बच्चों, इट इज थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट इज थ्री टू जो सिक्स एक्स स्क्वायर। देखो नाउ इट्स क्वाड्रेटिक, मैं आपको बोल रहा था क्वाड्रेटिक मिलेगा, देखो ब्रैकेट ओपन करो एकदम बचपन जैसा, माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब बस कैलकुलेट कर लो, जो भी आता है बच्चों वो आंसर है, इट इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई सब्ट्रैक्ट हो गए, ये दोनों देखो सेम जाति के, सेम प्रजाति वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडा, और बच्चों ये हो गया आपका काम, इट्स अ कंबाइन इक्वेशन। दो अलग अलग लाइनें थी, मैंने कंबाइन करके क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में रेडी कर दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में यानी कि बच्चों कुछ इस तरीके का दिखेगा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है, सारे ऐसे नहीं दिखेंगे ये, तो इसलिए क्योंकि सर कॉन्स्टेंट था ही नहीं, ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। होमोजीनियस इक्वेशन है ये, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, इसी की पढ़ाई भी हमको करनी है, सारी पढ़ाई हमारी होमोजीनियस पे ही है, नॉन होमोजीनियस पे हमको डिस्कशन करना भी नहीं है, ठीक है। सो मैं उस तरफ आपको लेके भी नहीं चल रहा हूं। तो कहानी ये है कि सर फट से हमने कंबाइन करना था पहला क्वेश्चन, सर हमने कंबाइन कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट किया, कंबाइन आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखो सेम वही है आपके सामने, दोनों दो इक्वेशन दे रखे हैं, तो बच्चों पहले का नाम दे दो यू, दैट इज एक्स प्लस टू वाई माइनस वन विच इज जीरो, ये मेरा पहला है बच्चों फर्स्ट। एंड वी, वी हम किसको बोल देते हैं भाई, वी बोल दिया मैंने एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो भाई अब देखिए आपके पास दोनों इक्वेशन रख रखा है बच्चों, ये हमारे सामने दोनों इक्वेशन दिए हैं, हमको कंबाइन करना है, तो कंबाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा सुनाओ, कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन। सो बच्चों वो होता है यू इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से मतलब दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, तो दोनों का यानी कि सर एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, एंड यहाँ पे क्या है बच्चों, दैट इज एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे ना प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें फर्क पहले समझो, प्रीवियस में कांस्टेंट नहीं था, तो ये ओरिजिन से पास करती है, जब कभी इनका ग्राफ बनेगा ना बच्चों आप पाओगे ये ओरिजिन से ही पास करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के पास कांस्टेंट है तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, और जब ये ओरिजिन से पास नहीं करेंगे ना तो ये होमोजीनियस नहीं बनाएंगे, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये होमोजीनियस क्या होता है, आपने तो ठीक है इसके पहले भी नाम लिया होमोजीनियस, यहाँ भी ले लिया नाम, तो बच्चों मैं एक थोड़ा सा आपको क्लियर करते चलता हूँ, आगे हमको पढ़ना ही है। होमोजीनियस इक्वेशन वो होते हैं जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये केवल डिग्री टू की है, तो यानी कि सबकी डिग्री टू होनी चाहिए फिलहाल अपने केस में, पर अगर सारी डिग्रियां सेम है तो वो होमोजीनियस है। अब जहां कांस्टेंट आ जाता है ना वहां तो डिग्री सेम आ ही नहीं सकता, कैसे नहीं आ सकता जस्ट फील करो, अगर मैंने इसके ब्रैकेट ओपन किए बच्चों, अब सर मेरे को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, यानी कि सर पहले एक्स से मल्टीप्लाई आएगा पूरे का, फिर टू वाई से, और फिर माइनस वन से, सो पहले एक्स से करो, सो एक्स से करेंगे तो बच्चों एक्स इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस टू एक्स, फिर बाजू में ये हो गया टू से, टू वाई से मल्टीप्लाई स्टार्ट करो, टू एक्स वाई माइनस थ्री टू जै सिक्स वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई। नाउ वन से करना है बच्चों, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए बड़ा सा फैला हुआ इक्वेशन मिल रहा है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर एक्स वाई, एक्स वाई दो जगह माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन माइनस एक्स वाई हो गया, देन वी हैविंग बच्चा लोग टू एक्स एंड देन हियर एक्स, दोनों माइनस माइनस थ्री एक्स हो जाएगा बच्चों, देन अपने पास और क्या है भाई माइनस फोर वाई और सेवन थ्री प्लस थ्री वाई तो माइनस वाई, एंड देन वी जस्ट लेफ्ट विथ एक कॉन्स्टेंट टर्म प्लस टू,
अच्छा वाई स्क्वायर को खा गया मैं, वाई स्क्वायर को अभी तक नहीं लाया, वाई स्क्वायर यहाँ पे इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, प्लस टू के बाद लास्ट में लिख दिया माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों ये काफी बड़ा सा लेंदी, वैसे वाई स्क्वायर हमेशा एक्स वाई के बाद आता है, यहाँ लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एक्सप्रेशन में आगे पीछे लिखा उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन ये हो गया मेरा कंबाइन इक्वेशन बच्चों। अब देखो इसमें इसमें और प्रीवियस में फर्क क्या था, उसमें तीन टर्म मिले थे खाली, ये तीन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा होमोजेनियस का इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ के केस में देखिए क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, देखिए एक्स वाई का एक टर्म मिल रहा है प्लस बी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का एक टर्म मिल रहा है, उसके बाद ये तीन टर्म मिल रहे हैं जो कि होता है बच्चों टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये आपका है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, यही कल को सर्कल का इक्वेशन बनता है जिस दिन ए और बी सेम हो जाता है, जिस दिन ए और बी बराबर हो जाएंगे उस दिन ये सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, इसे आप सर्कल बना सकते हैं ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको याद रहना चाहिए कि सर एक जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन का होता क्या है, वो याद होना चाहिए, और जिस दिन वो ओरिजिन से पास करेगा इक्वेशन ऐसा होगा, इसको होमोजीनियस बोलते हैं। ये दोनों बातें अब भी याद कर लो, सवाल करते करते ब्रेन को खुलते चलेंगे अपन ठीक है। तो भाई ये दो बातें क्लियर कर लो बच्चों, होमोजीनियस सर, होमोजीनियस का मतलब वो जहां पे कॉन्स्टेंट नहीं होते और सबकी डिग्रियां सेम हो जाती है, मतलब सबकी डिग्रियां सेम है तो उसमें कॉन्स्टेंट नहीं, वो ओरिजिन से पास करेगा। इनकी खासियत ये होती है कि सर दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करती हैं, दोनों लाइंस ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे बच्चों सारा कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे ठीक है, यहाँ पे लिखने की नहीं जरूरत है, आप अपना आंसर लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन बोला है बच्चों पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, ओके अब देखो अब यहाँ से ना डिफिकल्टी बढ़ेगी, पहले दो क्वेश्चन कितने आसान थे, सर दो इक्वेशन दिया कंबाइन कर दो, आपने खट से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, अब यहाँ इक्वेशन नहीं दिया है, अब वो चाहता है कि आप इलेवेंथ क्लास में जाओ इक्वेशन बनाना सीखो उसके बाद कंबाइन करो, इक्वेशन है तो कंबाइन कर सकते हैं पर इक्वेशन नहीं तो कंबाइन किसको करें, यहाँ तो कोई इक्वेशन नहीं दिया, इसने बोला है फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ ऑफ किसका, जो टू और थ्री से पास हो रही है, पहली बात वो लाइनें जो टू और थ्री से, मतलब सर वो लाइनें ही मिसिंग है जिनका कंबाइन इक्वेशन चाहिए, तो पहले तो वो लाइन सोचना है, वो सोचने के लिए ब्रेन चाहिए, ग्यारह क्लास क्लियर होना चाहिए, तो भाई अगर अपन वो सोच पाएंगे तो आंसर आएगा, तो पहले तो वो सोचते हैं। चलो पहला केस सर पासिंग थ्रू टू थ्री, अच्छा एक एक पॉइंट आप समझना, मेरे को मेरी दो लाइनें चाहिए, मेरे को मेरा लाइन वन लाइन टू यानी कि जिसको मैं कल को यू बोलूंगा और वी बोलूंगा वो मेरे को चाहिए सर पहले, तो चलो भाई क्वेश्चन के पास चलते हैं और अब थोड़ा सा ना ग्रामेटिकली ज्योमेट्रिकली चीजें डिस्कस करते हैं। सो बोल रहा है देखो जो लाइनें हैं ना बच्चों जिनको कंबाइन करना है वो पास कर रहा है किससे, टू थ्री से, तो पहले ना मैं अब ग्राफ पे लेके आ रहा हूँ आपको एक एक धीरे 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 ग्राफ में कोशिश करूंगा आपकी बिल्ड कर लू अच्छी। तो सर एक्स पे टू और वाई पे थ्री, तो बच्चा देख एक्स पे टू इधर किधर होता है वाई पे थ्री, मतलब ये वो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिससे मेरी दोनों लाइनें पास कर रही हैं, दोनों पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन होता है सर, पहला तो ये शब्द क्लियर होना चाहिए, ये सर ये कौन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, बच्चा कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नथिंग बट एक्स एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं, जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर अच्छा तो एक्स और वाई एक्सिस, तो सर ये एक्स एक्सिस किधर है, ये देख बेटा ये है और ये तेरा वाई एक्सिस है। अब जो तेरी दोनों लाइनें हैं ना लाइन वन लाइन टू वो कहां से पास कर रही है, टू थ्री से, किसके पैरेलल है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि सर एक लाइन ना मेरी इसके पैरेलल है, सर इसके पैरेलल का मतलब वो लाइन ऐसी होगी, बोलिए हाँ ये हो गई मेरी लाइन, पहली लाइन एक लाइन हो गई सर मेरी ये लाइन वन जो कि एक्स के पैरेलल है और एक है मेरी वाई के पैरेलल, तो सर वो ऐसी होगी पक्का, इससे पास कर रही है क्योंकि टू थ्री से पास कर रही है और इसके पैरेलल है तो ऐसी बन सकती है, दूसरा कोई बन ही नहीं सकता, 100% सच है। तो सर इनका इक्वेशन क्या है, मेरी लाइन वन लाइन टू का इक्वेशन भी तो चाहिए मेरे को, तो बेटा देख जो x एक्सिस के पैरेलल है तो वो y को कहीं ना कहीं कट करेगा, तो ये देखिए यहाँ पे y को किस पे कट कर रहा है, y को 3 पे कट कर रहा है, ये x को किस पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है, तो सर इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 3 और इसका होता है बच्चा x इज इक्वल टू 2, सॉरी इसका होता है बच्चा x इज इक्वल टू 2, तो ये मिल गया तेरे को ये, और अब कॉमन सेंस लगाओ, कल को मैंने बोला होता बच्चा x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है तो तू x पे 2 को काटता, x पे जिधर 2 है बस लाइन खींचते, दिस इज x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, तो मिल गया सर दोनों एक्सिस, मेरे को दोनों लाइनें मिल गई मेरी लाइन वन, तो बच्चा मेरी लाइन वन जो है वो है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 उसका इक्वेशन, और जो बच्चा मेरी लाइन टू है वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर ये माइनस कैसे आया, ये देखिए 2 है इधर फेंकेगा माइनस 2 होगा, 3 था इधर फेंका माइनस 3 हुआ और मेरे को दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन मिल गए। सो नाउ अब क्या करना है मेरे को, कंबाइन करना है,
सो आई जस्ट नीड टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन। तो बच्चा कंबाइंड इक्वेशन होता क्या है, वो होता है यू इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। तो यू क्या आया वाई माइनस थ्री और वी क्या आया एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो कंबाइन कर देते हैं, इट इज एक्स इंटू वाई, देखो मल्टीप्लाई होगा माइनस टू वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये वो कॉन्स्टेंट खा गया मैं, देखो ज्यादा खाई हो जा रही है। प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया मेरा कंबाइन इक्वेशन, दैट्स इट, कहानी खत्म। सो बच्चों अब यहाँ पे ना ये खेल था, ये जिसको चमकेगा उसको इक्वेशन आएगा, जिसको इक्वेशन आएगा कंबाइन तो बच्चा भी कर लेगा सर, वो तो कोई भी करके दे देगा कंबाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं, अगली कहानी है पासिंग थ्रू, मतलब उन लाइन ने, देखो पहला स्टेटमेंट सेम है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, वो जो फर्स्ट पहले पेज पे हमको दिखा था फर्स्ट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन यही है मेन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। आगे की कहानी क्या बोला है, पास कर रहा है टू थ्री से, चलिए फिर से टू थ्री से पास कर रहा है। अब आप ना खाली बच्चा लाइन वन लाइन टू चाहिए मेरे को, मेरी लाइन वन और लाइन टू, यानी कि मेरे को अल्टीमेटली क्या चाहिए, यू जिसको मैंने लाइन वन बोला है और वी जिसको मैंने लाइन टू बोला है, मेरे को ये दोनों ढूंढना है बच्चों, ये दोनों कहानी चाहिए मेरे को। चलिए तो कहानी में बोला सर वो दोनों टू थ्री से पास कर रहे हैं, तो फिर से आ जाओ बच्चों टू थ्री पे, एक्स पे टू वाई पे थ्री, यहीं पे ये है मेरा पॉइंट जिससे दोनों पास कर रहे हैं टू कॉमा थ्री। आगे क्या बोला है ना, मेरी जो दो लाइन है एल वन एल टू है वो परपेंडिकुलर है, किस पे, इस पे और इस पे। अरे गजब, अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि सर वो टू थ्री से पास कर रहे हैं, पहली बात पॉइंट टू थ्री से पास कर रहे हैं, लेकिन किसी ना लाइन के परपेंडिकुलर है, मेरी एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, एक इसके, मान लेते हैं लाइन वन इसके परपेंडिकुलर है और लाइन टू इसके परपेंडिकुलर है। अब मुझे चाहिए इक्वेशन सर, और बच्चा अगर तुझे याद हो ना इक्वेशन लिखने का मैंने पांच फॉर्मेट सिखाए जिसमें से चार तो बहुत काम के, पहला है वाई एक्स स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक्स नॉट स्लोप पॉइंट फॉर्म, मैंने स्लोप इंटरसेप्ट पहले पढ़ाया हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप होता है एम और वाई इंटरसेप्ट सी। तो सर यहाँ स्लोप और वाई इंटरसेप्ट तो दिया नहीं, तो यहाँ तेरे को दिया गया ना वो देख, एक पॉइंट दिया है बच्चा तेरे हाथ में, ये उसने बोल रखा है ये पॉइंट है, मतलब सर पॉइंट पता है मेरे को, और अगर स्लोप आ जाए ना तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन लिख लूंगा। तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि सर मैं स्लोप और पॉइंट के लिए स्लोप कैसे लाऊं, मेरी लाइन का स्लोप, तो मेरे को पता है मेरी लाइन ना किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और जो लाइनें परपेंडिकुलर होती है उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, तो सर हाँ इससे मेरा काम हो सकता है, तो बस उसी को पकड़ना है। अब देखिए मेरी लाइन वन, एक थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, सपोज ये मेरी लाइन वन है, अब वो कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ऐसी होगी, वो आप बोलेंगे सर पैरेलल ही मत बनाइए, ये देखो सपोज ये मेरी लाइन वन है ऐसा हो सकता है, और ये मेरी लाइन टू है ऐसे, ये मेरी लाइन टू है, दोनों क्योंकि सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये खासियत है कि सर दोनों लाइन है टू थ्री से ही पास कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मेरी लाइन है ना एक एक लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब पहली लाइन सपोज ये परपेंडिकुलर है जाके किसी के ऊपर, और इसका इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 1, sorry minus 1 is equal to 0, एक ही बात है मैंने सही लिखा था वैसे, minus 1 is equal to 0। और जो दूसरी लाइन है ना बच्चा ये देख, जो दूसरी लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है किसी लाइन पे जाके, और वो किस पे परपेंडिकुलर है, x minus 3y plus 2 is equal to 0, ये मेरा प्रॉपर डायग्राम बन गया। अब कहानी क्या है, कहानी सर ये है कि मेरे को पता है कि मेरी जो लाइन वन है ना लाइन वन ये 2.3 से पास कर रही है एंड इस पे परपेंडिकुलर है, तो जो भी इसका स्लोप होगा और जो भी इसका स्लोप होगा ना, सपोज ये लाइन वन है तो इसका स्लोप एम वन है और इसका कुछ स्लोप है, इसका स्लोप एम टू है, इसका स्लोप कुछ है, सपोज इसका एम थ्री है बच्चों, इसका एम फोर है, ऐसा सोच लो। तो मेरे को एक बात पता है कि अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर है ना तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि एम वन इंटू एम थ्री कल को माइनस वन होगा, पहली बात, और सर इन दोनों में भी एम टू इंटू एम फोर माइनस वन होगा, M2 into M4 minus 1 होगा, यानी कि सर जो लाइनें परपेंडिकुलर होती है आपने बताया कि उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 होता है, सत्य है, तो इससे मुझे आउटपुट ये मिलेगा कि सर मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा, कैसे निकाल लूंगा, यहां से M1 का स्लोप हो जाएगा माइनस 1 अपॉन M3, यानी कि सर कल को जो मेरी लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ किसका स्लोप बच्चों 3x plus 2y minus 1 is equal to 0, इसका स्लोप। So, मेरी वाली का स्लोप हो गया माइनस वन अपॉन, अब स्लोप पहले तो इसका स्लोप निकाल लो, तो सर स्लोप निकालने के देखो अगर फॉर्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो मैंने सिखाया था भाई वाई छोड़ के सब कुछ उधर फेंक दो, और या जिस बच्चे को सीधे फॉर्मूला याद है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी बोले तो यहाँ पे ये देखो ये ए होता है और ये आपका बी होता है, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या सिखाया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन है। सो कंपेयर करोगे तो ए थ्री है बी टू है,
ला के यहाँ पे रख दो तो वो हो जाएगा सर माइनस, ध्यान देना इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी, ए कितना है बच्चों माइनस थ्री, बी कितना है टू, जिस दिन ये माइनस माइनस कैंसिल होगा ये ऊपर जाएगा तो मेरा स्लोप हो गया टू बाई थ्री। मतलब सर कल को जो मेरा लाइन वन है ना पहली लाइन उसका पॉइंट तो पता ही था कि ये पॉइंट है और ये बच्चों मिल गया मेरे को स्लोप एम वन। अगर मेरे पास पॉइंट है स्लोप है तो मैं इक्वेशन लिख लूंगा लाइन वन का, तो सो देयर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन वन, अच्छे से देखना इक्वेशन ऑफ लाइन वन, पहली लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। सो वो होता है फॉर्मूला होता है बच्चों वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे स्लोप लाइन वन है इसलिए उसका स्लोप एम वन हो गया, तो y माइनस वाई वन, वाई वन कौन होता है x और y के कोऑर्डिनेट जिससे मेरा पॉइंट पास कर रहा है, तो ये x1 है बच्चों ये y1 है लाइन वन के लिए। सो ये हो जाएगा y1 कितना है मेरा 3 इज इक्वल टू स्लोप कितना है यार 2 बाय 3, x माइनस x1 कितना है हमारा बच्चों 2। सो कल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 3y माइनस 3 3 इज 9, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एक एक स्टेप लिखेंगे फिर यहाँ पे 2x माइनस 2। अब मैं फटाफट ब्रैकेट ओपन करूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो इट इज 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। सो बच्चों थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, x हमेशा पहले होना चाहिए, सो 2x माइनस 3y इसको उधर फेंका, माइनस 4 ऑलरेडी है ये इधर आएगा तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन हो गया 2x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला लाइन वन का इक्वेशन आ गया बच्चों, यानी कि जिसको मैंने कल को u बोला है वो मिल चुका है मुझे। सो u यानी कि यहाँ पे देखेंगे u यानी कि l1, l1 का इक्वेशन है मेरे हाथ में। थोड़ा सा लेंदी था प्रोसेस बट चिंदी था, एकदम चिंदी है, एग्जाम में आएगा तो आपको लिटरली मजा आ जाएगा। कुछ नहीं था बच्चों, पहला क्या है क्वेश्चन क्या है पास कर रहा है इससे, इसके परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप है उसी का माइनस वन अपॉन मेरा स्लोप हो जाएगा, तो मैंने कर दिया सर माइनस वन अपॉन इसका स्लोप, तो इसका स्लोप निकाल के रखा उल्टा कर दिया काम खत्म। ये एक एक पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, दे आर न्यू कि आपको आता है तो मैंने जैसे लिखा है ऐसे स्टेप भी लिखेंगे तो परफेक्ट है, डायग्राम बना देंगे तो टीचर समझ जाएगा भाई ज्ञानी बच्चा है अपना, ठीक है। अब कहानी आई सर ये तो लाइन वन हो गया, अब लाइन टू की बारी आई, भाई लाइन टू को इधर से हटा देते हैं। चलिए बच्चों अब लाइन टू, तो ये देखिए लाइन टू जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो एम टू का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन इसका स्लोप। तो पहले तो पॉइंट तो आपको पता ही है, ऐड कर लेते हैं बच्चों पॉइंट तो हमको पता है, पॉइंट वापस से टू थ्री है, मुझे एम टू चाहिए, एम टू हो जाएगा बच्चों माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन भाई, वो लाइन का नाम क्या है एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब स्लोप का फॉर्मूला, इसका स्लोप कैसे निकालू सर, तो बच्चा इसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी होता है, ए है वन और बी है माइनस थ्री, तो माइनस माइनस मर गया ऊपर माइनस ए थ्री उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके माइनस थ्री आ गया, ये मेरा आ गया एम टू, तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन टू भी आ गया मेरे पास, पॉइंट वही है, पॉइंट में तो चेंज ही नहीं क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ये आपका एक्स वन है ये आपका वाई वन है। नाउ क्या होता है भाई इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला, तो इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ एम टू लिख देंगे, क्यों एम टू क्योंकि स्लोप सेकंड लाइन का है, तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस टू, फटफट ओपन करो y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये इधर आएगा बच्चों थ्री एक्स प्लस वाई, ये इधर आएगा माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया लाइन टू। सो फाइनली दोनों चीजें हैं अपने पास, लाइन वन भी है बच्चों लाइन टू भी है, एंड नाउ वी जस्ट नीड टू फाइंड कंबाइन इक्वेशन। सो कंबाइन इक्वेशन निकाल लेते हैं भाई फटाफट, और कंबाइन इक्वेशन होता क्या है, वो होता है यू इन टू वी इज इक्वल टू जीरो। सो यू यानी कि बच्चों पहला इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन आया क्या था हमारे पास, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव, और सेकेंड वी क्या आया बच्चों, इट इज थ्री एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। नाउ कंबाइन इक्वेशन करना है मल्टीप्लाई, थ्री टू दिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एटीन एक्स, एक एक मल्टीप्लाई करेंगे पहले टू एक्स से देन थ्री, माइनस थ्री थ्री जा नाइन एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सत्ताईस वाई। नाउ फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज फिफ्टीन एक्स प्लस फाइव वाई माइनस पैंतालीस इज इक्वल टू जीरो। नाउ जो जो सेम जाति वाले हैं उनमें उंगली कर लो, सिक्स एक्स स्क्वायर तो ऐसे बैठ, ये दोनों देखो सेम जाति के, तो भैया माइनस सेवन एक्स वाई बचेगा और माइनस में थ्री वाई स्क्वायर बैठा है, ये दोनों की भी जातियां सेम है तो कितना बच जाएगा माइनस थ्री एक्स, वाई की जाति भी सेम है सत्ताईस और पांच बत्तीस हो जाएगा बच्चों थर्टी टू वाई माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर कंबाइन इक्वेशन, कर दिया अभी कंबाइन, आ गया कंबाइन इक्वेशन। सो बस एक एक पॉइंट देखो बच्चों, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, एक एक पॉइंट खाली मैंने अच्छे से देखे कि अच्छा इससे ये हो सकता है इससे ये हो सकता है इससे काम करता है।
खाली इलेवेंथ का बेसिक अच्छा होना चाहिए कि हम इक्वेशन लिख पाए, लिख पाएंगे तो कंबाइन करेंगे, अदरवाइज तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए। और ये तब होगा ना बच्चों जब आप ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे कि क्वेश्चन को 5 बार कर लो, याद हो जाएगा, बचता ही क्या है। चलिए नेक्स्ट कहानी है, क्वेश्चन नंबर 5। सो वी हैव डन विद 4, नाउ 5 पे आ गए बच्चों। एक सेकेंड ना, हेलो, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखो अब इस सवाल को समझो, सर इससे पास कर रहा है तो पहले तो कहां पे है ना वो पॉइंट, पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो हम ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं बच्चों, एक्स पे नेगेटिव माइनस वाई पे पॉजिटिव समवेयर हियर, कहीं तो यहां मेरा पॉइंट है बच्चों, जिसका नाम है -1.2। पास कर रहा है इससे, एंड वन इज पैरेलल टू दिस। अच्छा अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट किया, पहले मैं दोनों परपेंडिकुलर थे किसी थर्ड फोर्थ लाइन के, यहां के केस में मेरी एक लाइन एक के पैरेलल है, किसी लाइन के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है, मान लो लाइन वन जो है पैरेलल है इसके, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस, एंड लाइन टू इसके परपेंडिकुलर है। तो लाइन टू वाली कहानी तो वैसी है जैसे हमने अभी प्रीवियस की, लाइन वन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, थोड़ा ट्विस्ट ऐसे आ गया कि मान लीजिए लाइन वन ये है बच्चों, देखो सपोज ये लाइन वन है ऐसे, तो ये ना इसके पैरेलल है, ये जहां भी होगा ये ऐसे इसके पैरेलल है। तो सर क्या क्या ये डायग्राम से क्या, सर मेरे को तो पता है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर हो, यानी कि सर कल को इसका स्लोप यानी कि मेरा जो m1 है वो मिल जाएगा, खाली मैं इसका स्लोप निकाल लूं, जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप होगा, पॉइंट यही है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों पॉइंट दोनों जो लाइन है इसी से पास कर रही है, सॉरी तो मैंने आपको लाइन जो है गलत बना के दिखा दी। एक सेकेंड ना बच्चों, थोड़ा बैक चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि भाई दोनों जो है ना वन माइनस वन टू से, तो सपोज पहला ऐसा था -1.2, ये लाइन वन है मेरी और उसके एक पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर हो गया। और दूसरी कहानी में ये मान लीजिए लाइन टू ऐसी होती, ये लाइन टू है तो ये परपेंडिकुलर है किसी पे, जाके ऐसे परपेंडिकुलर गिर रही है किसी पे, और वो कौन है, वो है 2x - 3y - 1=0। बच्चों ये कहानी समझते चलना, ये पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान आपकी खोपड़ी में फिट होना चाहिए। तो सर इसके पैरेलल सॉरी इसके परपेंडिकुलर इसके पैरेलल, फटाफट इक्वेशन बनाओ कंबाइन करेंगे, डायग्राम की अब जरूरत नहीं है सर, इसको हटाते हैं तो जगह बच जाएगी। ठीक है चलो देखते हैं। सो कैसे करें सॉल्व भाई, तो पहले लाइन वन पे आते हैं बच्चों, सब लोग ध्यान देंगे लाइन वन, सो लेट यू जिसको हमने लाइन वन बोल दिया। तो बच्चों लाइन वन के केस में पॉइंट पता है, पॉइंट पी दे रखा है कि भैया -1.2 से पास कर रहा है, एंड लाइन वन का स्लोप जो कि एम वन होगा वो मेरे को पता है कि सर बराबर हो जाएगा किसके, स्लोप ऑफ एक्स प्लस 3y - 1=0, इसके स्लोप के बराबर होगा। तो भाई इसका स्लोप निकाल लो पहले, तो माइनस ए अपॉन बी फॉर्मूला होता है हमको पता है सर, तो माइनस ए यानी कि 1 - 1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, देखो -1, ए क्या है 1 है और बी कौन है 3 है, तो ये हो गया एम वन, मिल गया एम वन भी पता है पॉइंट, पॉइंट सर बच्चा ये एक्स वन वाई वन हो गया, और इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला आता ही है, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है y - y1 = m x - x1, बस लाके रख दो सब कुछ मेरे पास, y - y1 बच्चों 2 है, m कितना है -1/3, x - x1 कितना है -1, सो 3 इधर आएगा, तो इट इज 3y - 3^6 = -x - - + और एक -1, देख लो भाई कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, वापस देख लेते हैं, 3 इधर आया बच्चों, 3y - 3^6 = -x, क्योंकि नेगेटिव है -, होगा फिर माइनस करेगा -3 इधर गया है, तो 1 1, कैलकुलेशन थोड़ा सा सही रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, क्या मैं खुद उड़ा देता हूँ कैलकुलेशन कभी कभी, यहाँ आएगा ऐड होगा -5 = 0, ये हो गया बच्चों आपका लाइन वन, सो वी गॉट लाइन वन पैरेलल था बराबर हुआ। सर सेकंड केस में लाइन टू के केस में क्या हो रहा है, वी जिसको हमने लाइन टू बोला है उसके केस में भी पॉइंट तो सर वही है -1.2, बस इसके परपेंडिकुलर है, तो मेरा जो स्लोप होगा एम टू वो होगा -1/, बस इतना याद कर लो कि पैरेलल में बराबर है और परपेंडिकुलर में -1/ इसका स्लोप। अब इसका स्लोप डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, आप लिख लेना इंग्लिश, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस लाइन -a यानी कि 2 और b -3 दिया, -- कैंसिल उल्टा होएगा बच्चों -3/2, ये हो गया मेरा m2। सो अब मेरे पास लाइन 2 के दोनों काम है, पॉइंट भी है और स्लोप भी है, सो इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला वही है, क्या हो जाता है इक्वेशन बच्चा लो, y - y1 = नाउ यहाँ पे m2 आ जाएगा, यहाँ पे m1 लिखना भी नहीं गड़बड़ हो जाएगी, x - x1, ठीक है, सो y - 2 = -3/2 x - -+1, सो 2 इधर आएगा, 2y - 4 = -3x और -3, सो 3x इधर आ जाएगा, 3x + 2y - 1 = 0, ये हो गया मेरा लाइन 2, सो वी गॉट लाइन 1 ऑल्सो एंड लाइन 2 ऑल्सो। नाउ बच्चों खाली कंबाइन इक्वेशन लिखना है,
तो फट से लिख दो ना सर, कंबाइन इक्वेशन होता क्या है? तो बच्चा वो होता है u into v is equal to 0 या लाइन 1 into लाइन 2 is equal to 0. तो क्या है लाइन 1? x plus 3y minus 5, x plus 3y minus 5 into, भाई लाइन 2 यानी कि v क्या है? 3x plus 2y minus 1, 3x plus 2y minus 1. फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इट इज 3x square plus 2xy माइनस एक्स प्लस 3 3 9xy प्लस 3 2 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 15x माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 6y स्क्वायर, ये दोनों सेम जाती के, माइनस 16x और y के साथ ये y माइनस 13y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज योर कंबाइन इक्वेशन. मैं कैलकुलेशन देखते चलना कहीं लोचा ना, बाकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कैलकुलेशन आप संभाल लेंगे. खाली कंसेप्ट क्लियर करोगे भाई सर इक्वेशन बन कैसे रहे हैं कंबाइन करना, फिर तो वो आसान पार्ट है. ठीक है चलिए नेक्स्ट. अच्छा वी हैव डन विद फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए, सारे जितने कंबाइन करने थे वो हमने कंप्लीट कर डाले. सो इतने थे बच्चों जिनमें हमको इक्वेशंस को कंबाइन करने थे. अब कहानी आती है, नेक्स्ट कहानी जो है हमारी वो है बच्चों सेपरेट करने की. तो बोला है फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन. ठीक है सो ठीक है, सो क्या है बच्चों सेपरेट करना है? देखो सेपरेट करना बहुत आसान काम है रादर देन कंबाइन करने में. तो चलो इक्वेशन बनाना है, मेहनत करनी, यहां तो बस आप इसको सेपरेट कर दो. सेपरेट करने का मतलब क्वेश्चन खुद बताएगा मेरे को क्या करना है. जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं टैकल करना चाहूं तो बच्चों मेरे को दिख रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक तो है, दो ही टर्म है, दो टर्म में तो सर कॉमन निकाल लेंगे, फैक्टर वैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली कॉमन निकाल लो आंसर आ जाएगा. तो सर कॉमन कैसे निकालूं? बच्चा देख दोनों में कौन कॉमन है, दिख रहा है वाई, खींच बाहर उसको. जैसे वाई बाहर गया ना तो यहाँ पे 3y बचा और यहाँ पे 7x. अब सर अब तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, अब कुछ हो ही नहीं सकता. पर सर मेरे को तो सेपरेट दो लाइने चाहिए. हाँ तो मिल तो गई दो लाइने. ये देख अब क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो. ऐसा धरती पे कब होता है? जब कम से कम कोई एक जीरो हो, कोई एक तो जीरो होना ही मांगता है. कोई एक तो जीरो होना मतलब या तो सर वाई जीरो हो जाए और या तो 3y plus 7x 0 हो जाए. और जैसे ही मैंने बोला ना दो अलग अलग, तो सर ये दोनों लाइनें हैं, इन दोनों का ग्राफ बन सकता है. y is equal to 0, x axis को बोलते हैं, x axis पे y 0 होता है. और 3y plus 7x इसका ग्राफ बन जाएगा, ओरिजिन से पास होता हुआ. मिल गई दोनों लाइनें, दो लाइनें चाहिए थी, दो लाइनें मिल गई. तो ये बच्चों मतलब दो लाइन एक स्टेप का वन मार्क टाइप क्वेश्चन है. अगर वन मार्क आएगा एग्जाम में तो बस वन मार्क, इससे ऊपर नहीं आ सकता बोर्ड में. ठीक है अगली कहानी. अब देखो अगली कहानी तो देख के क्लियर हो रही होगी सबको कि सर एक एक टर्म है ये जिसको मैंने ए बोल दिया और एक टर्म है बी जिसको मैंने बी बोल दिया. तो कल को मेरे को पता है सर ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी. जिस दिन दो चीजों का प्रोडक्ट आएगा तो कोई एक जीरो होगा, ये जीरो या तो वो जीरो, बस सेपरेट हो गए. सेपरेट करना है पर पहले तो होल स्क्वायर बना लो. तो बच्चा मैं इसको लिख सकता हूँ रूट फाइव एक्स का होल स्क्वायर. अच्छे से नहीं गलत लिख दिया ना, गलत लिख दिया भाई, ये तो पूरा पूरा गलत है. रूट केवल फाइव को है, एक्स के पास तो ऑलरेडी स्क्वायर है बच्चों. माइनस इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब अच्छे से देख लो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे 5 था, 25 होता तो और आसान हो जाता, 5 लिख देते. कोई नहीं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी एंड बच्चों ए प्लस बी. सो एग्जैक्टली दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ गया. और जिस दिन दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो होता है ना बच्चों, तो रूट फाइव एक्स माइनस 3y 0 हो जाएगा और या तो रूट फाइव एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0. हो गया सेपरेट, दो सेपरेट करने थे, दोनों लीनियर दिख रहे हैं आपको, 100% लीनियर है. ठीक है चलिए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बच्चों, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, फर्स्ट जैसा. तो देखो दो ही टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है x, तो बाहर खींच दो तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 बच गया. सो अल्टीमेटली दो बातें हो गई, या तो x 0 होगा और या तो x माइनस 4y 0 होगा, काम खत्म. इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी थी. चलिए बच्चों अब अगर इस क्वेश्चन को देखो तो इट्स अ क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा होगा, पर सर यहाँ भी क्वाड्रेटिक स्क्वायर है, यहाँ भी ये होमोजीनियस है बच्चों बेसिकली. अच्छा होमोजीनियस नॉर्मल नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली फैक्टर फाइंड करो जैसे बचपन में फैक्टर करते थे वैसे कर दो आंसर आ जाएगा. लेकिन जिस दिन यहीं पे कुछ और क्रिटिकल टर्म आ जाए ना 10 की जगह पे, तो सोचना पड़ेगा आपको कि इसको होमोजीनियस मतलब क्वाड्रेटिक बनाओ. प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक होमोजीनियस, क्योंकि ये सर होमोजीनियस इक्वेशन है, भले हमने पढ़ा नहीं हमको पता है ये होमोजीनियस है, सबकी डिग्रियां सेम है. देखो इसकी डिग्री 2, इन दोनों की कंबाइंड डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री 2 है, तो इट्स अ होमोजीनियस. और होमोजीनियस को अगर हमको फैक्टर करना है तो हमको इसको कन्वर्ट करना होता है बच्चों. किसमें कन्वर्ट करना होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन में.
मतलब उसी के प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, पहले सर इसको तो करते हैं, ये तो हल्का हल्का दिख रहा है। अब ये तो हल्का सा है बच्चों, क्वाड्रेटिक है, बीच में माइनस 10 है, 8 3 24 है, जैसे बचपन में करते थे आप, माइनस 24 मिल गया। सर ऐसा नंबर ढूंढो कि प्रोडक्ट करने पे माइनस 24 आए और एड सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 10, तो मेरे को 12 2 दिख रहा है, 12 2 24 होता है बच्चों, और इसको मैंने नेगेटिव इसको पॉजिटिव बोल दिया और मेरे को दो फैक्टर मिल गया। तो बस जैसे फैक्टर मिला इसको स्प्लिट कर दो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे पता है यहाँ कुछ कॉमन है, 3x कॉमन होता दिख रहा है, तो यहाँ पे केवल x बचा माइनस 4y, और सेकेंड ब्रैकेट में वही होना चाहिए सर। तो यानी कि सर किसको किसको बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ से एक y को और 2 को, दोनों को बाहर जाना है, इज इक्वल टू 0। सो मिल गया बच्चों x माइनस 4y एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ना दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x माइनस 4y 0 होगा बच्चों, और या तो 3x प्लस 2y 0 होगा, और दिस इज योर सेपरेट इक्वेशन। यहाँ पे हमने चीजों को अलग अलग कर दी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 2√3 दिख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, फिर से वैसे ही क्वाड्रेटिक किया है सर हमने, 10th क्लास में भी किए हैं अपने क्वाड्रेटिक में ऐसे क्वेश्चन। 3 3 9 है, अब 9 के दो फैक्टर, दोनों में √3 कंपलसरी हो गया, तभी तो कैलकुलेशन होगा, और 9 आना चाहिए वैसा सोचो। तो यहाँ 3 और यहाँ 1 अगर मैंने रखा, इसको माइनस इसको प्लस, देखो अब मल्टीप्लाई करो ये आ रहा है, एड सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ रहा है, देखो √3 √3 3 होता है, और 3 1 3, तो 3 और 3 9 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव, प्लस माइनस नेगेटिव होता है, और अगर इन दोनों को मैंने ऐड किया तो -3 + 1 - 2 होता है बच्चों। तो मेरे को जो स्प्लिट करना है वो मिल गया, इट इज 3x² xy प्लस √3 xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x सबको दिख रहा होगा कॉमन है सर, x माइनस √3y बचा, तो भाई सेम यही फैक्टर यहाँ पे आएगा, x माइनस √3y। देखो लिख दो सीधे, मैं बता रहा हूँ इसको लिख दो। अब क्या नहीं चाहिए सर, पहले टर्म में देखो क्या क्या नहीं चाहिए, तो y नहीं चाहिए और √3 नहीं चाहिए, फेंक दो उसको बाहर, आपका काम हो गया। तो दो फैक्टर मिल गए, x माइनस √3y एंड बच्चो 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो दो लाइनें मिल गई मुझे यहाँ से सेपरेट, या तो बच्चों ये 0 होगा, ये एक लाइन हो गई, और या तो 3x प्लस √3y 0 है, ये एक लाइन हो गई। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो लाइनों का सेपरेट इक्वेशन आ गया, अलग अलग, हमको बस अलग करना है, कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और जटिल हो गया बच्चों। देखो अब पिछले दो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देख के समझना कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्यों करेंगे ना। पहला क्वेश्चन ये है कि हम इस क्वेश्चन को, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे सॉल्व, और मतलब सपोज हमने जो भी अप्लाई किया मेथड, तो वही क्यों किया, वही मेथड से ही होगा क्या 100%। ये देखो, अब इसमें देखो सर फैक्टर होता दिख रहा था, इसमें तो सीधा सीधा क्लियर सबको दिख रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें सर मैं फैक्टर निकालू कैसे, कैसे निकालें, बीच में कोसेक बैठ रखा है आके, ये नहीं होता तो हम तो कुछ नॉर्मल सोच लेते हैं, वहां बीच में ट्रिगो आ गया है, तो अब इसको सब हम, मेरे को सिंप्लीफाई करना है या जब मेरे को सॉल्व करना है तो मेरे को सोचना पड़ेगा सर कि मैं करूं क्या। तो बेटा पहला काम है इसको प्योर क्वाड्रेटिक बना। अब प्योर क्वाड्रेटिक बनाऊं कैसे, तो सर पूरे को या तो x से उड़ा दो, x² से, या तो y² से। तो मैं ना बच्चों पूरे को x² से उड़ा रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को अच्छे से देखना, सबको x² से मार दूंगा, तो होगा क्या, यहाँ तो मर जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1x मरेगा और यहाँ कुछ नहीं मरेगा। तो पहले इसको लिख ले रहा हूँ, तो ये y² है, उसके अपॉन में x² आ गया, मैंने x² से उड़ाया है, देखना ध्यान देना, प्लस 2 cosec alpha xy के अपॉन में x², यहाँ मतलब सबके अपॉन में, प्लस x² के अपॉन में x², ये सर क्या किया आपने, डिवाइडेड थ्रू आउट बाय x², ये लिख देना। अब ऐसा क्यों किया सर, लेकिन क्यों किया ना, अब देखो इसका आंसर ये हो गया बच्चों y / x का होल स्क्वायर, जस्ट फील करो, यहाँ पे बचा 2 cosec alpha y / x, एक x मर गया, और यहाँ पे 1 = 0। नाउ इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक। अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक है जो बचपन में आप करते थे, क्योंकि सर यहाँ फैक्टर नहीं हो सकता, जहां फैक्टर नहीं हो सकता वहां श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा, लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है सर, वो होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। अब मेरे को पता है कि सर अगर ये फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करना है तो मेरे को एबीसी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब ये प्योर क्वाड्रेटिक हो। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक है, बस अंदर y / x है, तो हमको क्या करना है, हम ऐसा सोचो वो t है, सो इट इज t² + t² सोचने में क्या जा रहा है, t सोच लो बन गया क्वाड्रेटिक, बस t की जगह y / x है, लास्ट में y / x रख दो, या डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरा इंटू लास्ट में कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ पे a कौन हो गया बच्चों 1, b कौन हो गया 2 cosec alpha एंड c कौन हो गया 1,
तो सारी वैल्यूज पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मुझे पता है कि आंसर मिलता किसका है सर, इसका जो इधर है, इधर कौन है वाई बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, यानी कि सर इसका स्क्वायर, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac अपॉन में 2a, 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो अल्टीमेटली क्या मिल गया बच्चों मुझे, y बाय x इज इक्वल टू माइनस 2 cos एक अल्फा प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया, अंडर रूट में क्या बच गया भाई cos एक स्क्वायर माइनस 1। अब सोचो cos एक स्क्वायर माइनस 1, बचपन में आइडेंटिटी में चलते हैं थोड़ा सा, देखो 4 जैसे ही बाहर गया सीधे रूट के बाहर नहीं लेते भाई, सीधे रूट के बाहर लेना भी गलत हो जाएगा, 2 आएगा क्योंकि बाहर 4 मैंने दोनों से निकाला, तो क्या बचा यहाँ अल्टीमेटली कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस में 1 और अपॉन में 2 बचा है बच्चों। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है हमको, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा बच्चों माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, अब 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, लेकिन बच्चों कोसेक स्क्वायर माइनस 1, हम बचपन से आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, तो जिस दिन माइनस 1 वहां जाएगा तो ये कॉट स्क्वायर अल्फा बचेगा बच्चों, अपॉन में कौन बैठा है हमारे 2, सो ये 2 तो दोनों से तीनों से मर गया था, कॉमन निकला और मर गया, तो बचा क्या माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, ये y बाय x है। और अब अगर मैं दिमाग लगाऊं बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दो आंसर मिल गए y बाय x के, y बाय x हो गया आपका माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ये और y बाय x हो गया माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये दो चीजें मिल गई। तो x वहां भेज देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा टाइम्स x, और ऐसे y इज इक्वल टू माइनस विथ प्लस विथ x, तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगे बच्चों मेरे पास, और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको थोड़ा समझा होगा सर ये ऐसा क्यों किया, इसलिए किया ताकि मैं ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं, अप्लाई करूंगा दो फैक्टर मिलेगा मेरा काम हो जाएगा, मैंने ढूंढा फैक्टर ही है बच्चों, नॉर्मल नंबरों में नॉर्मल फैक्टर मिल जाते हैं, लेकिन जहां पे कोसेक साइन आ गया तो वहां तो फैक्टर मिल नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य के लिए पहले फुल क्वाड्रेटिक, बस फुल क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट कहानी देखो, अगली कहानी भी वही है बच्चों, 10 दे रखा है तो सेम आप एक स्टेप तो सेम है, एक्स स्क्वायर से उड़ाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज माइनस वाई स्क्वायर, एक तो इसके साथ माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, तो ये वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टेन अल्फा वाई बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कहानी खत्म, वहां 0 बैठा है, ये दिक्कत क्या है, और सेम क्वेश्चन बन गया बच्चों ये एज इट इज प्रीवियस वन, एज इट इज प्रीवियस वन वैसे ही करना है सेम, तो भाई वाई बाय एक्स क्या हो जाएगा बच्चों माइनस बी, माइनस बी तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अल्फा 2 टेन अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, यानी कि 4 टेन स्क्वायर माइनस 4 ac तो प्लस 4 अपॉन में 2 इंटू 1 2 बचा, तो फटफट कुछ स्टेप तो रिपीट हो रहे तो मैं स्पीड में कर रहा हूँ, 4 बाहर आके 2 आएगा, बाहर अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर जो कि 6 स्क्वायर होता है बच्चों, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 2 से सारे 2 मर गए, फैक्टर मिल गया बच्चों मुझे 2, टेन अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा, रूट और स्क्वायर मर जाएगा, बस आंसर आ गया बच्चों ये आपका कंबाइन है, इसको अलग कर दो, दो पानी कर, तो एकदम सेम था जैसे प्रीवियस था वैसे इसको किया, खाली आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट सो वी हैव डन अप टू बच्चों, पहले दो क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इस वीडियो को यहीं रुकूंगा, नेक्स्ट में होमोजीनियस एक्सप्लेन करूंगा और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे सवाल, ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर।